भैया अगर अच्छा अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए और अपने माँ बाप को खुश रहना चाहते हैं, आप लोग कामयाब होना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में और ये चाहते हो कि ज़िंदगी भर खुश रहे, खुश रहो सारी ज़िंदगी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों को, जो भी आपके बच्चे होंगे, अपनी बीवी, उनके साथ शेयर द लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो घर पर। घर पर, घर पर शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ऐसे समझते हैं, हम लोग ये सुन रहे कि नहीं, ये सीटी कब मार, ये बहुत ज़रूरी है। क्या है कि अब घर पे अगर हम लोग मदद करेंगे कपड़े धोने में, कुछ चीज़ों में, इतनी चीज़ें हम लोग जो खुद कर सकते हैं, हम बच्चे खुद कर सकते हैं, अपनी मम्मी की सहायता कर सकते हैं अपनी, और अभी से ही आप लोग करेंगे तो आपको बाद में क्या होगा, सडनली एक माइंडसेट चेंज करना मुश्किल हो जाता है। अभी से अपनी आदत डाल दो, अभी से आदत डालो। क्या करोगे, करोगे कि नहीं, विल यू शेयर द लोड ये हंड्रेड जो परसेंट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ये वेरी जो मच। जेन वाई की वो तो बहुत ज़रूरी है ना, समय ही ऐसा, ओकेजन ही ऐसा था, और ये शेयर द लोड का जो मूवमेंट है मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया है। मैंने इनकी तीनों जो इसके बारे में जो भी पता चला है, कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब मैंने इनकी फिल्में देखी तो काफ़ी मुझे, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखी होगी, सब ने, ये जो भी मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं आप सब ने भी देखा जी, कि बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है। दैट्स वाई आई एम वेरी हैप्पी एंड दैट दे मेड मी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। आई थिंक या स्पेशल यू सी, ये काफ़ी फिल्म देखकर भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं सब जो भी देखेंगे फिल्म, ये जहन में कि जो माओं को सिर्फ, हम क्या करते हैं, सिर्फ बेट, यूजली क्या है कि लड़कियों में ध्यान देते हैं कि लड़कियां घर ऐसे संभालेंगी, लड़कियां ऐसा करेंगी, पति का संभालेंगी, घर किचन संभालेंगी, और ये पूरा जो जो घर का जो जो भी सिचुएशन हो, जब घर का काम करेंगी, और आजकल लड़कियां काम भी करती हैं और दे शेयर फाइनेंशियल बर्डन ऑल्सो, शेयर द फाइनेंशियल, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ वर्क, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं, अगर जो बेटे हैं, अगर बचपन से ही माएँ जो हैं उन्हें सिखाएं, सिखा लिए कि आपको सिर्फ बेटियां नहीं, इवन लड़कों को कहीं ना कहीं घर के कामों में लोड शेयर करना चाहिए। लोड शेयर करने का मतलब ये है कि कहीं, जैसे आज तो इसलिए था कि कपड़े धोने के बारे में बात कर रहे थे, कि कहीं ना कहीं हम कपड़े हेल्प करें, और कपड़े धोना तो वेरी वेरी सिंपल, आजकल तो कपड़े लिए, डिटर्जेंट पाउडर लिया, वॉशिंग मशीन वगैरह, इतना छोटा भी अगर काम कर लें तो बहुत बढ़िया, इट्स अ ग्रेट वे टू शेयर द बर्डन। मुझे तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने तो वॉशिंग मशीन देखना ही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, क्योंकि घर में हमारे वॉशिंग मशीन नहीं थी जब मुझे, मेरे जब मैं स्कूल में था, स्कूल तक तो मैंने वॉशिंग मशीन नहीं थी, तो मेरे ख्याल से जब मैं जब चंबूर तिलक नगर में था वहाँ तो वॉशिंग मशीन नहीं थी। शायद मुझे याद है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम साइन में गए, साइन कोलीवाड़ा में रहने गए, तो जब शायद वॉशिंग मशीन हम लोगों ने खरीदी थी उस वक्त पहली बार। मगर मैं कभी अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के घर जाता था तो वहाँ जब मैं वॉशिंग मशीन देखता तो बहुत ही, तो मेरा जो मेमोरी है कपड़े धोने का वो तो यही है कि कपड़े जो हैं वो या तो जगहें होती थी वो जो जहाँ नहाते थे वहीं कपड़े धोते थे, तो बाल्टी में कपड़े जा रहे हैं, और कपड़े जो हम लोग जहाँ रहते थे, जो बैल्कनी होती थी, लंबी सी बैल्कनी होती थी, वहाँ सारे धागे लटके रहते थे और वो रस्से रहते थे, तो कपड़े वहाँ सुखाए जाते थे, कुछ घर में भी कपड़े सुखाए जाते थे, किचन में कपड़े सुखाए जाते थे। तो मेरे लिए तो बचपन का विजुअल वही रहा है कि मम्मी जो है वो कपड़े धो रही है, और और हम सब ये सारा विजुअल होता था। एंड उसके बाद फिर ये सब वॉशिंग मशीन वगैरह, यूसी सोनम का ये भी, मैं सोनम के बारे में, वो तो चलो ठीक है, ये सब चीज़ों में तो शी इज़ ऑलवेज मेनली प्राउड सोनम, एंड बट मोर देन थिंग इज दैट शी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु हैज़ ऑलवेज शेयर द लोड एट होम इन एवरीथिंग वट एवर शी हैज़ डन, एंड नाउ शी इज़ गॉट मैरिड टू आनंद, एंड समवेयर व्हेन आई सी आनंद शेयरिंग द लोड नॉट ओनली प्रोफेशनली बट इवन इन हाउस होल्ड मैटर्स, पर्सनल मैटर्स, सो इट मेक्स मी वेरी वेरी प्राउड। मैं दोस्त आदमी हूँ, मैं दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपने दोस्त के लिए जो कुछ, किसी के साथ कुछ रिश्ता हो कोई, मैं किसी चीज़ के साथ जब जुड़ जाता हूँ, जैसे कि मैं इस मूवमेंट के साथ जुड़ा हूँ, इसी तरह मुझे लगता है किसी, जो भी मेरे रिश्ते हुए हैं, चाहे जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ चाहे वो काम में हो, डायरेक्टर्स उनके साथ 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 आठ आठ फिल्में की हैं, जो मेरे साथ मेरे जो जो जो
मेरे साथ वाहन चालक हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, जो मेरा मेकअप करते हैं, जो मेरे फिल्में करते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, कोई 35 साल से, कोई 40 साल से, और मैं ये सब चीज़ों निभाने में यू नो बिलीव करता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो भी आपने वीडियोस देखे हैं, जो मैंने दोस्तों के लिए किए हैं, वो दिल से किए हैं मैंने, कहीं उसमें कोई भी ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, दिल से है, मोहब्बत से है और पैशन से, जिसके लिए भी मैंने जो कुछ भी किया है, और जो कुछ भी मैं फ्यूचर में भी करूँगा दोस्त के लिए, कहीं मुझे ऐसा लगे कोई सिंसियरली काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई अच्छी चीज़ हो, तो मैं उसके साथ डेफिनेट